मित्रों, मैं एस के पाठक, सिविल न्यूरोथेरेपिस्ट। मैं आपको बताने जा रहा हूँ आज जिन लोगों को बैक में, लोअर बैक में L4, L5, L5, S1, जिनको बैक की दिक्कत है, डिस्क बल्ज है, कंप्रेशन है, तो उसके लिए एक छोटा सा ट्रीटमेंट से देखेंगे कैसे करना है। इसको हम बोलते हैं ट्रीटमेंट्स को बेंडिंग, फॉरवर्ड बेंडिंग। तो देखेंगे कैसे देना है। ये तकिया एक पैरों के नीचे रखना है, दोनों पैर रखो ऐसे आराम से, वेब देने के दोनों पैरों में। ये जो हमारी L4 है वो अंदर की साइड आती है और L5 बाहर की साइड आती है। तो हमें क्या करना है, ये दोनों साइड पहले पैर पे पाउडर लगाना है, कैल्शियम पाउडर, जिससे इनके बालों को कोई नुकसान ना हो, बाल ना टूटे। ये पहले एक पैर से ऐसे इनका ये पैर को दबा के रखना है और पीछे से यहाँ से 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 बार ये यहाँ से ऐसे मसल्स को खींचते हुए नीचे लाना है, ये 8 बार। और उसके बाद ये दोनों को ऐसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ये भी 8 बार, और फिर ऊपर से भी ऐसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ये भी 8 बार। और उसके बाद ये दोनों पैरों पर सेम देना है। मैंने एक बार बताया आपको, पहले पीछे के मसल्स को ऐसे नीचे खींच के लाएंगे 8 बार, फिर दोनों साइड्स के को 8 बार, और फिर आगे से ऐसे 8 बार। उसके बाद ये हमारे ईपी पॉइंट्स होते हैं, उनको यहाँ ऐसे करंट लगता है, ऐसे प्रेस करेंगे इधर भी और इधर भी और इधर भी। ये क्रिया दोनों पैरों पर करनी है हमें, मैं दूसरे पे भी करके दिखा देता हूँ। ये एक पैर से हमें आगे पीछे ना जाए उनका पैर, इसलिए पैर दबा के रखना है। और ये ऐसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ये सेम करना दोनों पैरों पर। इसके बाद ईपी पॉइंट्स देने हैं यहाँ भी, ये यहाँ पे हम प्रेस करेंगे तो पूरे पैर में ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है, करंट सा लगता है। उसके बाद निकालेंगे, खड़े होना है और एक पैर आगे लाएंगे, ये ऐसे रख के हल्का सा, हाँ, 3 पॉइंट्स में 2 बार, दूसरा पैर बस इतना ही करना है। इससे आपके L4, L5, L5S1 में कोई दिक्कत है तो वो नंबर का रीज़न वो सेट हो जाएगा, ठीक हो जाएगा, वो पेन निकल जाएगा। अगर आपसे नहीं ठीक से कर पाते आप तो हमारे सेंटर पे आएँ, हम बैक की कोई भी प्रॉब्लम से हमारे ट्रीटमेंट से हमेशा के लिए ठीक हो जाएगी। आप अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लें, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक करें, जिससे सब लोग इस ट्रीटमेंट्स का फ़ायदा ले सकें। धन्यवाद।